नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर प्रमिला गुप्ता, डॉक्टर असद खान एवं डॉक्टर नूपुर सिंह, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। रविवार रात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुरादाबाद ब्रांच की जनरल बॉडी मीटिंग के साथ चुनावी सभा में भवन कचहरी परिसर में आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2024-25 की टीम के चुनाव की प्रक्रिया निर्विरोध रूप से संपन्न हुई। एमए मुरादाबाद के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर प्रीति गुप्ता के नाम की घोषणा की गई। एमए के नियमानुसार इनका चुनाव वर्ष 2023-24 में ही हो चुका है। सचिव के रूप में डॉक्टर सुदीप कौर व कोषाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रूबी चुक के नाम की घोषणा की गई। गौरतलब है कि अब एमए के तीनों महत्वपूर्ण पदों को महिला चिकित्सक सुशोभित करेगी। नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 22 सितंबर को दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया जाएगा। रविवार रात एमए हाल में मुरादाबाद ब्रांच के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर सुधीर मिद्धा, सहायक चुनाव अधिकारी डॉक्टर नितिन बत्रा व डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा ने ये घोषणा की। इनकी देखरेख में ही चुनाव सम्पन्न हुआ। एमए मुरादाबाद ब्रांच के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रवि गंगल ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट व 2024-25 के लिए सभी पदों पर एक ही प्रत्याशी का नामांकन होने से चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न हो गया। इस मौके पर 18 सदस्यीय कार्यकारिणी समेत 60 सदस्यीय नई टीम की घोषणा की गई। सेक्रेटरी डॉक्टर श्रुति खन्ना ने बताया कि एमए की नई टीम का अधिष्ठापन समारोह 22 सितंबर को एमए के वार्षिकोत्सव में किया जाएगा। ये कार्यक्रम दिल्ली रोड स्थित रही होटल में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर अनुराग खन्ना, डॉक्टर बबीता गुप्ता, डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर अरुण चुक, डॉक्टर आशीष पुरी, डॉक्टर पायल पुरी, डॉक्टर संगीता मदान, डॉक्टर सीमा मिधा, डॉक्टर जेके शर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार आदि सम्मिलित हुए। INN न्यूज के लिए मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। आईएमए का बर्डन में आराम से उठा पाऊँ और ये सब पॉसिबल है आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही। तो उम्मीद करती हूँ कि इस 2024-2025 को जो मैं और मेरी टीम है, सुदीप रूबी और सारी एग्जीक्यूटिव टीम है, ये जितना भी हम IIMA को हाइट्स पे ले जा सकते हैं, जो भी अच्छा कुछ कर सकते हैं अपने मेंबर्स की भलाई के लिए, एकेडमिक्स में या अदरवाइज भी जो भी कुछ है, अपना बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। लॉन्ग लिव IIMA। आज IIMA के 2024-2025 साल के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें कि मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता प्रेसिडेंट और ये है डॉक्टर सुदीप कौर सेक्रेटरी, ऑनरेरी सेक्रेटरी, और डॉक्टर रूबी चुक ट्रेजरार जो है ये अपॉइंट हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, और डॉक्टर CP सिंह जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। डॉक्टर एक बहुत ही शांत प्रिय वातावरण में काम करने वाला, अपने से मतलब रखने वाला, और बहुत ही एक शांत वातावरण चाहिए उसको काम करने के लिए। लेकिन जिस तरह से आजकल डॉक्टर के खिलाफ और परेशानियां जो हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो हमारी प्रैक्टिस को लेकर के हो या दूसरे मुद्दे हो, जैसे कि हम पे टैक्स का ज़्यादा लोड डाला जा रहा है या बेसमेंट का जो सील का जो मुद्दा चल रहा है, तो इन सब मुद्दों पे हमको ना चाहते हुए भी मुखर होना पड़ रहा है, क्योंकि इससे हम लोग काफ़ी परेशानियां महसूस हो रही हैं। जबकि किसी भी जो उलझन हो रही है उसमें हमारा कोई इतना हाथ नहीं होता है, लेकिन परेशानी हमको सबसे ज़्यादा हो रही है। तो अपने मेंबर्स को इन सब से बचाने के लिए हमें शासन से, प्रशासन से, हमें बहुत ढंग से इसका हमें सामना करना पड़ रहा है, और हम अपनी इस एसोसिएशन को, अपने मेंबर्स को इन सब परेशानियों से किसी भी हद तक जाकर के इनसे हमने अभी हाउस टेस्ट लिए, मेयर मिले, उसके बाद हम लोग नगर आयुक्त से मिले, फिर कमिश्नर अंजनी सिंह से मिले। हम लोग का जुलूस 9 तारीख को निकलना था, उससे जस्ट पहले रात को 9:30 बजे DM के यहाँ से फोन आ गया और DM ने आश्वासन दिया कि वो सारे मुद्दों को सुलझाएंगे और बेसमेंट का सर्वे, सीलिंग किसी की भी नहीं होगी। तो उसके बाद DM के रिक्वेस्ट पे हम लोग ने अपने 9 तारीख के शेड्यूल मार्च को वापस किया। उसके बाद 13 तारीख को लखनऊ जाके मैं डॉक्टर राजेश सिंह और डॉक्टर नितिन बत्रा, जाके नगर विकास मंत्री डॉक्टर AK शर्मा, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव नगर निकाय अमृत अभिजात, इनसे मिले थे, प्लस और हमने नगर निगम टैक्स के बारे में बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो नगर आयुक्त को टैक्स के मुद्दे को देखने बोलेंगे और उसको अपना व्यवहार सुधारने को। तो बाथरूम मेल और फीमेल का अलग से पूरा रेनोवेट करा दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती थी जब भी मीटिंग होती थी। तो लेटेस्ट न्यूज
लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज़ नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।